वो यही बात है शालू, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, इसलिए मैंने बनाया तो टेस्टी तो हो। तुम्हारी चाय पी के पूरा दिन मेरा बहुत बढ़िया गुजरता है। मस्का मत लगाओ, आज हमें पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। अरे तेरे की भूल गया। हाँ, लेकिन वहाँ से आते आते तो शाम हो जाएगी। सुनो, हमें 4 बज जाएगी आते आते। कोई बात नहीं भैया, मैं बड़ी हो गई हूँ। यार एक बार बताओ, लड़कियाँ चांद पे पहुँच गई, 21वीं सदी है और ये तो हमारी शेरनी है, शेरनी। वो तो है, फिर भी अकेली रहेगी। अरे यार, अकेले हम तुम्हें नहीं लेके आए थे क्या ससुराल से? कोई इसे भी लेने वाला कोई? अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, लेट हो जाएगी। चलो चलो चलो। हेलो। हाँ भैया, ये कंप्यूटर फिर से खराब हो गया क्या? यार इसे ठीक कराओ ना। काम कर, वो तुम वही लो, मैं सुशील को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। पहले भी ठीक नहीं कर पाए, अब क्या ठीक करेगा? अरे अभी आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, अभी आता है। ठीक है। क्या यार रोज रोज का, चलो इससे टाइम पास करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? पता नहीं, अपना भी ऑफ हो गया। बहुत देर हो गई है। खड़े हो। क्या हुआ मैम? खड़े हो यहाँ से, बाहर निकलो मेरे घर से। आप गलत समझ रही हैं मुझे। बोला बाहर निकलो। देखिए मैं समझ में नहीं आ रहा ना, बाहर निकलो। मैम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। पुलिस को बुलाऊं? बाहर चलो, निकलो बाहर। मेरी बात सुनिए सिर्फ एक। मैंने कहा ना बाहर चलो। जाओ। जाने से पहले कुछ बात कह सकता हूँ? बोलो क्या बोलना है। क्या तुम मेरी इस कलाई पर ये राखी बांध सकती हो? तुम्हारी ही तरह मेरी भी एक बहन थी। जब मैं गांव पहुंचा रक्षाबंधन वाले दिन,
तो पता चला कि मेरी बहन के साथ कुछ गुंडों ने बलात्कार करा और वो इस सदमे को सह नहीं पाई। ये राखी वो छोड़कर गई थी मां के पास, तब से ये राखी अपने साथ लिए घूमता हूं। और आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा शायद मेरी बहन जिंदा है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी वो। चलता हूं। रुको भैया। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत गलत समझा। नहीं क्या तुम मानोगी मुझे राखी?